नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं CHMU न्यूज। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के विद्वान कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक का मानना रहा है कि समाज के लिए उपयोगी चीजों और जरूरतों की छात्रों में बेहतर समझ विकसित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होते रहना चाहिए। उनकी इसी प्रेरणा पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में हुई इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से प्रबंधन ना होने के कारण यह एक गंभीर समस्या बन रहा है, जिसका निदान समय की जरूरत है। इस कार्यशाला में और किन बातों पर जोर दिया गया, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए 4R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर जरूरी है। इस समस्या के लिए वे प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है जो कचरे के उत्पादन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कचरे का कम से कम उत्पादन कर उसके फिर से इस्तेमाल, सुव्यवस्थित तरीके से निस्तारण आदि के प्रति सजग रहें। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में पैथोलॉजी की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुमनलता वर्मा ने कहा कि यहाँ के छात्र देश के विभिन्न नामी संस्थानों में जैसे एम्स दिल्ली, RML लखनऊ, GSBM कानपुर, GMC कन्नौज, SGPGI लखनऊ, सैफई आदि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यशाला के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्टेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खतरनाक वेस्टेज, केमिकल्स आदि आते हैं, अतः इनका निस्तारण ठीक प्रकार से कैसे हो सकता है, इसका प्रशिक्षण मेडिकल और संबंधित संस्थानों से जुड़े सभी लोगों को होना चाहिए। कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर वर्षा प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से अस्पतालों, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालय, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल वेस्ट विभिन्न प्रकार के संक्रामक व असंक्रामक रोगों का कारण बन रहा है। कार्यशाला में संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा ने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक एवं प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कोर्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार इस कोर्स की सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं। संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर मुनीश रस्तोगी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथियों, मीडियाकर्मी, संस्थान के सभी फैकल्टी एवं छात्र छात्राओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यशाला हम सभी के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। इस कार्यशाला में संस्थान के शिक्षक चंद्रशेखर कुमार, डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार पांडे, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, कुमारी हिना वैश, डॉक्टर अनामिका दीक्षित, कुमारी आमिना जैदी, डॉक्टर राम किशोर आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CHMU न्यूज। CHMU न्यूज में खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको CHMU न्यूज की ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। आप हमें हमारे Facebook पेज, Instagram पेज और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CHMU न्यूज।